Hello everyone and welcome to the channel PS on camera. This video is second part of Mumbai Darshan. Last video में मैंने share किया था हमारे आधे दिन की journey and our last point was सिद्धिविनायक temple. वहीं पे हमने lunch किया और अब आगे बढ़ते हैं हाजी अली दरगाह के लिए. But उससे पहले I want to request you all, please अगर आपको video पसंद आए then don't forget to hit like and also share your comments to just motivate me. So अब आगे बढ़ते हैं हाजी अली दरगाह के लिए. यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा walk करके जाना पड़ेगा but पूरे रास्ते छोटे छोटे shops मिलेंगे जहाँ से कि आप दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादर एंड फूल वगैरह ले सकते हो. यह दरगाह समुद्र के बीच स्थित है एंड बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी, तभी यहाँ हर धर्म के लोग आकर अपना सिर झुकाते हैं. इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आकर अगर कोई सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है. हाजी अली बहुत धनी थे जिन्होंने मक्का तीर्थ यात्रा से पहले अपना सारा धन त्याग दिया था और मक्का यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी. ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर एक ताबूत में था जो कि बहते हुए मुंबई वापस आ गया था. इसलिए हाजी उस्मान रंजीकर ने इस दरगाह की स्थापना 1631 में करवाई. हाजी अली दरगाह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है. क्या आप जानते हैं कि सुनामी के समय जब लाखों लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ये दरगाह जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित है बट उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. 26 जुलाई 2005 को मुंबई में आई भयंकर बाढ़ की वजह से कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ बट दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. इस दरगाह को बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है इन द सॉन्ग पिया हाजी अली ऑफ फिजा मूवी. आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत दरगाह बना हुआ है एंड चारों तरफ समंदर का पानी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है. मैं थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करना चाहती थी हाजी अली दरगाह में बैठकर बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी सो हमने डिसाइड किया कि हम अभी निकलते हैं यहाँ से एंड अपना मुंबई दर्शन कंटिन्यू करते हैं. हाजी अली दरगाह से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है मुंबई का सर्वाधिक प्राचीन धर्म स्थल में से एक महालक्ष्मी मंदिर. और ऐसा सुनने में आया कि महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पर, इवन आसपास के एरियाज में बहुत ज्यादा समृद्धि है जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है अंबानी हाउस. अभी मैं पहुँच गई हूँ बी देसाई मार्ग जहाँ पर की ये मंदिर स्थित है. कितनी दूर है मंदिर? अभी मैं महालक्ष्मी मंदिर जा रही हूँ दर्शन के लिए, तो लक्ष्मी जी के लिए तो कमल उनका फेवरेट है सो बस उनको चढ़ाएंगे हम. अभी मैं मंदिर के मेन एंट्रेंस के पास पहुंच चुकी हूं एंड भीड़ बहुत है तो लाइन लगी हुई है एंड इनफैक्ट यहां पे वीडियोस अलाउड भी नहीं है तो मैं अंदर जाके वीडियो नहीं ले पाऊंगी. महालक्ष्मी मंदिर बहुत लंबी लाइन है. महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना मुंबई दर्शन एंड यहाँ आप देख सकते हो अंबानी हाउस जो कि हमने कार से ही शूट किया बिकॉज हम बहुत लेट हो चुके थे एंड ये है हमारा नेक्स्ट लोकेशन मरीन ड्राइव जहाँ की मैं बैठ कर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहती थी. आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन मुंबई जहाँ पे आप घंटों बैठे रह जाओगे लेकिन बोर नहीं होगे. अभी हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव जिसको कि कौन नहीं जानता. बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है. मुंबई का मोस्ट फेमस प्लेस है एंड वेकअप सेट में तो मोस्टली आपने इस प्लेस को देखा ही होगा. एंड वन मोर थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो आज मैं फील कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए बट छोटे बड़े बहुत कुछ. कहीं पे 5 मिनट में भी काम हो जा रहा है, कहीं पे घंटा भर भी लाइन में लगना पड़ रहा है. जैसे कि मैं मंदिर गई, महालक्ष्मी मंदिर में मुझे काफ़ी टाइम लग गया. सो ये जो कैब वाला आइडिया है ना, वो बेस्ट आइडिया है. अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर इनफैक्ट अकेले भी हो तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे इन कंपैरिजन टू बस. क्योंकि बस में क्या है कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होगा लेकिन यहाँ पे हम जैसे जैसे उनको बता रहे हैं जितने टाइम हमें जहाँ पे लेना है हम अच्छे से ले पा रहे हैं.
सो हम ऑल ओवर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पा रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी है एंड जो डिटेल्स हैं सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। मरीन ड्राइव इज अ 6-लेन रोड एंड इट्स शेप इज लाइक अल्फाबेट सी, जिसका निर्माण 1920 में हुआ। क्वींस नेकलेस कहलाने वाले इस रोड को मुंबई की सबसे खूबसूरत सड़क माना जाता है। मॉनसून के समय यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, बिकॉज हाई टाइड के टाइम यहाँ पर 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठती है, जिसका नजारा देखने लायक होता है। प्लेस मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिल रही हैं एंड व्यू इतना अच्छा है कि आप एक मिनट भी बोर नहीं होने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है। सो डेफिनेटली ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप। शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं अपने डे टूर का लास्ट स्पॉट कवर करने, होटल ताज पैलेस एंड गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई की शान है। एंड वहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे है कोलाबा मार्केट, सो हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। ये हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज, जो कि मुंबई की शान। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, बट यहाँ आते ही आधी थकान मिट गई, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। एंड सी द कॉम्बिनेशन, एक तरफ 5-स्टार होटल तो दूसरी तरफ रोड साइड आइटम्स, मतलब कि ये ऐसी जगह है जहाँ हर कोई अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इंजॉय कर सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको कि मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया अरेबियन सी से आने वाले जहाजों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। होटल ताज पैलेस एज वेल एज गेटवे ऑफ इंडिया दोनों बिल्कुल आमने सामने ही हैं एंड एक दूसरे की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको यहीं से होकर जाना होगा, फेरी चलती है जो कि 40 रुपीज़ चार्ज करके आपको एलिफेंटा केव लेकर जाएगी, बट वहाँ विजिट करने के लिए आपको सेपरेटली प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली आधा दिन तो चाहिए एलिफेंटा केव को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेस है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस, जो कि मुझे पता चली, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया से ही वापस यूरोप गई थी। यह सार्सेनिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है और इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिल के समान है। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री भी मेंशन की हुई है, यू ऑल कैन हैव अ लुक ऑन इट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस प्लेस की एक्चुअल ब्यूटी को। Now we are taking exit from here and जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोलाबा मार्केट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो अब हम चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने। Once again I want to say, अगर शॉपिंग की भी बात आती है तो यहाँ हर कोई शॉपिंग का लुफ्त उठा सकता है एज पर देयर बजट, बिकॉज एक से एक ब्रांडेड शॉप्स के साथ साथ स्ट्रीट शॉपिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो आई एम गोना शो यू द स्ट्रीट शॉपिंग ऑफ कोलाबा मार्केट। इस मार्केट में आपको मिलेंगे बेस्ट जंक ज्वेलरी एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस।
ट्रेंडी क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, डिजाइनर फुटवेयर, शेड्स आर ऑल्सो वेरी फेमस इन दिस मार्केट. सो ऑल ओवर यू कैन से कोलाबा मार्केट इज बेस्ट प्लेस फॉर स्ट्रीट शॉपिंग इन मुंबई. फ्रॉक्स या बटन, अगर शर्ट का बटन ओपन रहेगा ना तो और भी अच्छा लुक बनता है. भैया भी लुक बता रहे हैं, क्या बात है. अभी तो इतना बिकता है नहीं, आज तो पब्लिक नहीं, अभी तक मिलता ही नहीं है आइटम. अच्छा ऐसा, थैंक यू. ये पूरी लाइन कोलाबा मार्केट. फाइनली हमने कोलाबा मार्केट भी घूम लिया, तो एक शॉपिंग भी थोड़ी बहुत हो गई. एंड जो हमने टारगेट सेट किया था वन फुल डे टूर ऑफ मुंबई, मुंबई दर्शन, वो हमारा अचीव हुआ. हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अपने. बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ एटलीस्ट एक दो घंटा एक्सटेंड हो गया, तो हमारे 100-200 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाएंगे. बट इट्स ओके, चलता है इतना तो, क्योंकि घूमने निकलो तो फिर अच्छा है कि पूरे पॉइंट्स कवर हो जाए. सो पूरे दिन घूमने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर के लिए. एंड ऑन द वे हमें मिला ये टाउन हॉल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसको कि हमने बहुत सारी मूवीज में एज अ कोट देखा है. यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है. गिन्नी कार में सो चुकी थी, दैट्स वाई हम कार के बाहर जाकर फोटो या वीडियो नहीं ले पाए. एक्चुअली शी वॉज वेरी टायर्ड. आई मस्ट से कि गिन्नी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है मुंबई दर्शन वीडियो को शूट करवाने में. सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन. अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, subscribe my channel as well as press the bell icon for the notification. Till then, bye bye.